देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। अगस्त को ईस्टर्न कॉरिडोर के इंटरचेंज पर दौड़ेगा इंजन, 15 को पीएम मोदी दिखाएंगे झंडी। यूरोप में फैले मंकी पॉक्स संक्रमण से अलग है देश के पहले दो मामलों में मिला वेरिएंट, आईसीएमआर ने की पुष्टि। मध्य प्रदेश में अलर्ट पर पशुपालन विभाग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के पशु चिकित्सकों की बैठक, हेल्पलाइन नंबर जारी। गुजरात देश के विकास और सुशासन का रोल मॉडल बनने के लिए प्रतिबद्ध, भूपेंद्र पटेल ने दिया ये बयान। केंद्रीय नागरिक उड़ियन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, उड़ान योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक उड़ानें शुरू हुई। सीयूईटी में लगातार 3 दिनों से हो रही अफरा तफरी पर यूजीसी ने चुप्पी तोड़ी, कहा गड़बड़ी के पीछे षड्यंत्र के संकेत। राज्यसभा ने सभापति वेंकैया नायडू को दी विदाई, पीएम मोदी ने बताया भावुक क्षण। स्कूली पढ़ाई में शामिल होंगे खो खो, गिल्ली डंडा और इक्कल दुक्कल जैसे 75 देसी खेल, शारीरिक शिक्षा पर भी रहेगा जोर। देवेंद्र फडणवीस को मिलेगी होम मिनिस्ट्री, महाराष्ट्र में इसी सप्ताह हो सकता है कैबिनेट विस्तार। भारतीय तटरक्षक बल ने पाक के जंगी जहाज को खदेड़ा, डोर्नियर की उड़ान से इरादे हुए पस्त। पहली बार अमेरिका का जंगी जहाज मरम्मत के लिए आया भारत, रक्षा संबंधों में जुड़ेगा नया आयाम। बिहार में सियासी बदलाव के संकेत के बीच चिराग का जेडीयू पर हमला, कहा सीएम नीतीश बताएं अपना मॉडल। चंबा के सलूड़ी में बादल फटने से भारी नुकसान, मलबे में दब गया कमरे में सो रहा किशोर, पुल और सड़कें बही। नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक में शामिल हुई ममता बनर्जी, कहा केंद्र को राज्यों पर नहीं थोपनी चाहिए नीतियां। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने डोडा और जम्मू में छापेमारी की, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद। मैनपुरी में देर रात सपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र यादव की कार में कंटेनर ने मारी टक्कर, 500 मीटर तक घसीटा। भाजपा नेत्री का अवैध तमंचे के साथ फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल, ट्वीट से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश में हिंसक प्रवृत्ति के कुत्तों को पालने पर रोक लगाने की मांग, शासन को भेजा गया पत्र। लखनऊ से बढ़ी नैनीताल और मथुरा जाने की डिमांड, लंबी वेटिंग के चलते ट्रेनों में अतिरिक्त बोगी लगवाएगा रेलवे।
गोरखपुर में पुलिस अभिरक्षा में बंदी की मौत, चोरी के आरोप में पुलिस ने पकड़ा था। अलीगढ़ में उद्योग व्यापार संगठन का सम्मान समारोह, जीएसटी में हो रहे फेरबदल को लेकर बोले व्यापारी। अलीगढ़ में एएमयू में गोली लगने से नाराज छात्र, बाबे सैयद गेट बंद कर किया प्रदर्शन। अलीगढ़ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पंडित केशव देव को मिली थी धमकी। रामनगरी में जमीन के नाम पर बड़ा खेल, बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी डीलरों को बेची जा रही जमीन। बदायूं में 101 लीटर गंगा जल से किया जाएगा जलाभिषेक, कछला घाट से पटना देवकली जा रहे कांवड़िए। बदायूं में तेजी से चल रहा है कालाबाजारी का खेल, ई रिक्शा में लदे मिले राशन के 15 कट्टे, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर पुलिस को सूचना दी। बदायूं में पुलिस ने कांवड़ियों संग निकाली तिरंगा यात्रा, थाना कादर चौक में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बरेली में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई कांवड़िए, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, कोतवाली के गेट पर जमकर किया हंगामा। फरुखाबाद में विकास मंच को घर घर पहुंचाने की पहल, जिलाध्यक्ष ने मुहिम का किया आगाज। मैनपुरी में बेवर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट के मामले में 6 लोग हुए गिरफ्तार। मैनपुरी में मेगा कैंप का किया गया आयोजन, 1500 लोगों को लगाया गया प्रिकॉशन डोज। सिद्धार्थनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की छापेमारी, पकड़ा गया नकली पनीर, चौधरी ढाबे पर की गई कार्रवाई। सुल्तानपुर में जिले में बन रहा 30 बेड का अस्पताल, लापरवाही देखकर सदर विधायक अधिकारियों पर बरसे। हरदोई में बम भोले की गूंज के साथ निकाली गई कांवड़ यात्रा, यात्रा में शिव भक्तों के साथ दिखी अमृत महोत्सव की झलक। गाजियाबाद में पेंट बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर राख। गोंडा में मुहर्रम पर याद की गई पूर्वजों की कुर्बानी, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निकाला जुलूस। हरदोई में दरोगा की टोपी लेकर भागा बंदर, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। हरदोई में कूड़ा बना विवाद की जड़, कूड़ा डालने से मना करने पर दबंगों का हंगामा, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। कानपुर के कोर्ट में हाजिर राकेश सचान, राकेश सचान ने कहा मुझे कोर्ट से नोटिस नहीं आया।
मैनपुरी में आजादी के 75वें महोत्सव पर तिरंगा रैली का आयोजन, भाजपा नेता ने हरी झंडी दिखाकर किया रैली का शुभारंभ। प्रयागराज में जोरों पर आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां, कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे छात्र छात्राएं। ताजनगरी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, हर घर तिरंगा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, सैकड़ों लोग तिरंगा यात्रा में हुए शामिल, सर्किट हाउस के गेट पर सेल्फी पॉइंट का किया अनावरण। आगरा में राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष का विवादित बयान, गोविंद पराशर ने पीएम के हर घर तिरंगा अभियान को दी चुनौती। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, दुकान खोलने के दौरान शटर में उतरे करंट से हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में बस चालक से झड़प और मारपीट का वीडियो वायरल, रोडवेज कर्मी बताए जा रहे चालक को पीटने वाले लोग। शहर में पुलिसकर्मियों ने की मारपीट, गाड़ी के ड्राइवर को पुलिसकर्मियों ने जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हमीरपुर में सांप के डसने से छात्रा की हुई मौत, रात में सोते समय छात्रा को सांप ने डसा था, इलाज के लिए झांसी ले जाते समय हुई मौत। कानपुर में मौत को दावत दे रहे युवा, गंगा किनारे बने पोल पर चढ़कर छलांग लगा रहे युवा, गुरगुच के ऊपर लगे पोल पर चढ़कर लगाई युवाओं ने छलांग। उत्तराखंड की महिला शक्ति को मिला तिलूर औतली पुरस्कार, वीरांगनाओं को राज्यपाल ने किया सम्मानित। हरिद्वार और ऋषिकेश में मिली श्रीकांत त्यागी के मोबाइल लोकेशन, पुलिस हुई अलर्ट। तिरंगे के रंगों में रंगने लगा देहरादून, बिजली के खंभों पर भी दिखी अनूठी तिरंगी छटा। सीमा से सटे इलाकों में भी पहली बार लहराएगा तिरंगा, बहेगी देशभक्ति के बयान। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए सीएम धामी, कहा आदर्श उत्तराखंड 2025 को मंत्र बनाकर काम कर रही सरकार। उत्तराखंड में अनाज उत्पादन में आई कमी, दालों की खेती में बढ़ रही काश्तकारों की रुचि। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जेल में बंद पूर्व आईएएस रामविलास यादव के विरुद्ध शासन को डीएफआर भेजेगी विजिलेंस। केंद्रीय मंत्री को काले झंडे दिखाने पहुंची 30 महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार, करीब 2 घंटे बाद रिजर्व पुलिस लाइन से किया गया रिहा। पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाले 2 अहम मार्ग अब भी बंद, गुंजी आदि कैलाश नहीं जा सके वाहन। उत्तराखंड में धीमा पड़ा मॉनसून, कुमाऊं में 2 दिन तेज बारिश के नहीं आसार। अमेरिका को ग्रीन इकोनॉमी बनाने के बाइडेन के क्लाइमेट प्लान को सीनेट की मंजूरी, इलेक्ट्रॉनिक कारों पर होगी $7,500 की टैक्स छूट।
पाकिस्तान में आर्थिक संकट है, अमेरिका के बाद जनरल बाजवा यूएई और सऊदी अरब की शरण में। गाजा पर इजरायली हमले में इस्लामिक जिहाद का सेकंड टॉप कमांडर ढेर, 6 बच्चों समेत 32 की मौत। ताइवान संकट पर जिनपिंग को अब इकोनॉमी की चिंता, 20वीं पार्टी कांग्रेस से पहले संकट सुलझाने की कोशिश। सैन्य ताकत की पूरी धमक दिखाने की तैयारी में ड्रैगन, बोहाई और येलो सी में करेगा मिलिट्री एक्सरसाइज। अमेरिका में 13 दिनों में 3 मुस्लिमों की हत्या, पुलिस बोली तीनों हत्याओं का 2021 के मर्डर से कनेक्शन, सभी एक ही मस्जिद जाते थे। ब्रिटिश पीएम की रेस में पिछड़े सुनक ट्रस्ट को 28% बढ़त, कंजर्वेटिव पार्टी के हर 10 में से 6 मेंबर्स लिच के साथ। चीन में कोरोना ने फिर दी दस्तक, रिसोर्ट शहर में लॉकडाउन लगा, 80,000 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे, विदेश से आने वाली फ्लाइटें रद्द। बांग्लादेश में महंगाई की मार, 1971 के बाद पहली बार पेट्रोल डीजल के दाम 52% बढ़े, सड़कों पर उतरे गुस्साए लोग। चाइना का ताइवान के करीब सैन्य अभ्यास, समय सीमा खत्म होने के बाद भी जारी, समुद्र और हवा में हमले की हो रही तैयारी। IRGAI करेगा शिकायत निवारण तंत्र में सुधार, बीमा भरोसा के कायम रहेगी ग्राहक की उम्मीद। HDFC बैंक ने अपने सभी तरह के लोन पर बढ़ाई ब्याज दरें, लागू हुई नई ब्याज दरें। आम हुआ वजीर एक्स और बिनेंस का झगड़ा, बिनेंस ने वजीर एक्स को ऑफ चेन क्रिप्टो ट्रांसफर करने का विकल्प हटाया। टाटा मोटर्स की मेगा डील, 726 करोड़ रुपए में टेक ओवर करेगी फोर्ड इंडिया का प्लांट। हीरो इलेक्ट्रिक और ओकियानवा के इलेक्ट्रिक स्कूटर का जलवा, ओला की सेल घटी। IRGAI में शिकायत करना होगा आसान, पॉलिसी धारकों को मिलेगा 13 क्षेत्रीय भाषाओं का विकल्प। एलन मस्क ने कहा पूरी हो सकती है डील, बस ट्विटर मान ले एक शर्त, पराग अग्रवाल को दी चुनौती। चार बैंकों ने बढ़ाई लोन पर ब्याज दरें, रेपो रेट में वृद्धि का दिखा असर, चेक। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 भारत में लॉन्च, कीमत का भी हुआ खुलासा। शेयर बाजार में आई तेजी, सेंसेक्स में 280 अंक से ज्यादा का उछाल। भारतीय स्पिनर ने रचा इतिहास, T20 क्रिकेट में एक मैच में सभी 10 विकेट लेने का किया कमाल। हरमनप्रीत कौर ने तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड, T20 क्रिकेट में बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने में बनी नंबर 1।
भारतीय स्पिनरों के सामने वेस्टइंडीज। भारत ने पांचवा मैच जीतकर सीरीज पर किया कब्जा। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। टीम इंडिया के नाम सिल्वर, ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड पर किया कब्जा। मुश्किल में रावलपिंडी एक्सप्रेस, लोगों से की दुआ करने की अपील। ऑस्ट्रेलिया से भेजा शोएब अख्तर ने वीडियो। दीप्ति शर्मा का करिश्मा, सुपर गर्ल बनकर लूट ली महफिल, ऐसा चौंकाने वाला कैच पकड़ा। पाकिस्तान के अरशद ने नीरज चोपड़ा से दूर भाला फेंका। कॉमनवेल्थ गेम्स में 90.18 मीटर थ्रो कर गोल्ड जीता। नीरज से 0.24 मीटर आगे निकले। कॉमनवेल्थ विमेन्स हॉकी में 16 साल बाद भारत जीता मेडल। शूटआउट में न्यूजीलैंड को 2-1 से हराया। पहली बार किया ब्रॉन्ज पर कब्जा। कॉमनवेल्थ के दौरान चोटिल हुए वेट लिफ्टर संकेत के कोहली की सफल सर्जरी। खेल मंत्रालय ने उठाया 30 लाख रुपए का खर्च। हॉकी खिलाड़ी नवनीत कौर के घर पर जश्न। पिता बोले, मैच जीतने की खुशी, आंसू आ गए। 10 को होगा बेटे का भव्य स्वागत। निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा ने बेटी मालती संग की पूल में मस्ती। आफत रिलीज के बाद अनन्या पांडे, विजय देवरकोड़ा की रोमांटिक तस्वीरें वायरल। लोगों ने की दोनों की जमकर तारीफ। खतरों के खिलाड़ी 12 में रूबीना दिलैक के साथ टास्क में हार गई चेतना पांडे। रोहित शेट्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। शाहरुख खान के साथ फैन ने की बदसलूकी, आर्यन खान ने किया बचाव। अमिताभ बच्चन ने खींची आमिर खान की टांग। मिस्टर नटवर लाल का टॉय लव बॉल, सुनील छेत्री ने जीत लिया दिल। रनौत के बाद अब तापसी पन्नू ने मारा करण जौहर को ताना। शो में ना जाने की बताई वजह। दिल्ली क्राइम सीजन 2 का ट्रेलर आउट। मल्टीपल मर्डर केस पर बेस्ड है शिफाली शाह की सीरीज। हम तो हमारे 12 के पोस्टर पर उठे सवाल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर बनी फिल्म को बताया इस्लामोफोबिया। डायरेक्टर ने दी सफाई। शहनाज गिल का ग्लैमरस लुक, पंजाब की कैटरीना ने दिखाया ग्लैमरस अवतार। फैंस ने की जमकर तारीफ। करण जौहर ने उड़ाया फरहा के फैशन सेंस का मजाक। बदले में कोरियोग्राफर ने लगाई जमकर क्लास। बोली, तुम्हारे तो कई चेहरे हैं। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।